जैसा कि देख पा रहे हैं महिंद्रा की XUV500 है, 2012 का मॉडल है, डीजल कार है। इसका गाड़ी चालू करके जब मैं हीटर चालू कर रहा हूँ ना, तो हीटिंग टेम्परेचर आ ही नहीं रहा। हीटिंग टेम्परेचर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका हीटर कॉइल जो है ना, हीटर कॉइल जाम हो गया है। एक साइड से कूलेंट का सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब अंदर जा रहा है और बाहर नहीं आ रहा है। इनटेक से जा रहा है अंदर कूलेंट और बाहर नहीं आ पा रहा है, इसके वजह से हीटिंग टेम्परेचर आ नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड खोल के इसका हीटर कॉइल रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ रहा है, मैं सब कुछ वो आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या खोल रहा हूँ। आप वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या खोल रहा हूँ मैं। तो चलो फिर मैं आपको वीडियो में खोलने के लिए स्टार्टिंग प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ, क्या क्या खोल रहा हूँ। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, तो चलो फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं मैं बैटरी की वायर निकाल दिया हूँ। सबसे पहले बैटरी की वायर निकालने के बाद सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। कंसोल बॉक्स खोलने के लिए ये वाला फाइबर जो देख रहे हैं, ये खींच के इजीली निकल जाता है। थोड़ा सा यहाँ ये लगता है क्योंकि सीट है बाजू में, तो जैसा कि देख पा रहे ये भी निकल गया ना। तो सेम इस साइड का भी वैसे ही दिया है। ये वाला फाइबर निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के बाद एक 10 नंबर यहाँ दिया हुआ रहेगा और एक 10 नंबर ये यहाँ दिया हुआ रहेगा। जैसा कि आपको दिखाई देता हूँ मैं, ये वाली 10 नंबर और एक सीट के नीचे, मतलब यहाँ जस्ट नीचे साइड रहेगा वो खोलना पड़ेगा। और एक इस साइड दिया है, यानी चार बोल्ट दिया है कंसोल बॉक्स में। खोलने के बाद ये आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी ये हिल रहा है, तो मैं इसको ये वाला ये खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा हिल गया, ये वाला खोलना बाकी था, खोल दिया मैं। खोलने के बाद ये पूरा हिल रहा है जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो गियर की नॉब में जो रहता है, ये स्पंज टाइप का रहता है, इसको आप ऐसे करेंगे निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर निकाल के पीछे होल्ड कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कंसोल बॉक्स की पूरी निकाल के पीछे होल्ड कर दिया हूँ। अब मेरे को ये जो देख रहे हैं पीछे की डक्ट, ये खोलना पड़ेगा। ये खोल के इसको कटा के बाहर लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड का भी है, ये सब खोल के बाहर लूंगा। और ये जो चार बोल्ट है गियर बॉक्स, खोल के पलटी मारना पड़ेगा, क्योंकि डैशबोर्ड को जो मेरे को होल्ड करने का है ना, तो इसके ऊपर सीट के ऊपर ही होल्ड करने का है। तो इसकी वजह से मैं इसको पलटी मार दूंगा ना, तो डैशबोर्ड मेरा इजीली मूव हो जाएगा और इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा। तो चलो फिर मैं आगे ये सब खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। बाद ये वाली पैनल का तो देख पा रहे हैं आप, 10 नंबर दिया है और सेम उस तरफ भी वैसा ही दिया है 10 नंबर। ये 10 नंबर खोल के ये पैनल खुल जाएगा, फिर मैं पैनल वगैरह खोल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं ये निकाल दिया हूँ और इस साइड का भी निकाल दिया हूँ, और यहाँ की जो नल्ला रहती है वो भी निकाल दिया हूँ। गियर बॉक्स को पलटी मार दिया हूँ, ये नल्ला, ये दोनों जो नल्ला है ना, नल्ला बोले तो डक्टिंग है ना, निकालने में आपको बहुत तकलीफ होगी पहली बार अगर आप खोल रहे हैं, तो इसको डर से कटाना पड़ता है। तो बाकी मैं खोल दिया हूँ। उसके बाद ग्लो बॉक्स भी आप खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें दो स्क्रू रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, और नीचे चार रहेगा, तीन या चार रहेगा। खोलने के बाद ये इजीली प्रेस करेंगे आगे साइड तो निकल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक सॉकेट रहेगी, दो सॉकेट है, एक ये वाली एक ये वाली। और उसके बाद ये साइड का भी पैनल खोल दिया हूँ। और देखो ये रही 12 नंबर का जो दिख रहा है, एक अंदर साइड है, एक अंदर साइड ये वाली और एक वो वाली, ये चार है, चार इस साइड दिया, चार उस साइड दिया। उसके बाद यहाँ का ये वाली एंगल का खोलने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो लगभग मेरी डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है, तो ये सब चारों बोल्ट खोल के मैं फिर एक बार आपको दिखा दूंगा। तो चलो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमने डैशबोर्ड पूरी खोल दिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये वाली सॉकेट अपने को निकालना पड़ा, ये जो कि डैशबोर्ड में लगी हुई थी, ये पावर विंडो का है, यहाँ का है ये वाली सॉकेट निकालना पड़ा अपने को। उसके बाद ये साइड का ये वाला 12 नंबर और वो जो कंट्रोल यूनिट में जो दिया हुआ रहता है 12 नंबर, यहाँ पे ये वाला खुलना पड़ा। बाकी इस साइड का सब खुल गया, और साइड का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये चारों बोल्ट खोलना पड़ेगा यहाँ का। उसके बाद
यहाँ का चारों बोल्ट खोलना पड़ेगा, उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम को नीचे लेना पड़ेगा आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं 13 नंबर रहता है दो, ये दोनों खोलना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ का जो रही 12 नंबर, यहाँ का कंट्रोल यूनिट में जो दिया हुआ रहता है वो खोलना पड़ेगा, और यहाँ का 12 नंबर, यानी लगभग मेरा सब डैशबोर्ड खुल चुकी है पूरी। और इस साइड का सॉकेट निकालना पड़ेगा, मैं सॉकेट निकाला नहीं हूँ, ये वाली सॉकेट निकाल के लगभग मेरी पूरी डैशबोर्ड खुल चुकी है। अब मेरे को पलटी मारने का है सिर्फ, और बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर मैंने क्या क्या खोल के रखा है, तो चलो बाहर दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे ये वाली एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट खोला हूँ मैं, उसके बाद ये वाली पाइप निकाल दिया हूँ, और ये वाली हीटर का पाइप दोनों निकालना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला दोनों हीटर का पाइप निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये वाला पाइप खोलना पड़ेगा, यानी फिल्टर का जो पाइप दिया है। फाइनली सब खुल चुका है, तो फाइनली मेरा सब कुछ खुल चुका है, और स्टेयरिंग को लॉक करके ही खोलना, तो मेरे को अब सिर्फ डैशबोर्ड को पलटी मारना है, पलटी मार के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डैशबोर्ड पूरा पलटी मार दिया है, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड खुल चुकी है अपनी। ये रही हीटर कॉइल, ये वाला, इसको बैंड करना पड़ेगा, बैंड करके मैं खोलता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी डैशबोर्ड पलटी हो चुकी है अपनी, तो चलो फिर मैं हीटर कॉइल का हीटर कॉइल निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली है हीटर कॉइल, जूनी वाली हीटर कॉइल मैं निकाल रहा हूँ, और ये जो फाइबर है ना थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जाकर के ये निकलेगा, क्योंकि ये तकलीफ करता है, ये इसके सामने ही रहता है, तो थोड़ा सा नीचे दबाना पड़ेगा और ये वाली पट्टी बैंड करके इधर लेना पड़ेगा। तो चलो मेरा निकल गया है, और मैं इसको पूरा निकाल लेता हूँ, फिर नया वाला हीटर कॉइल इसमें डालेंगे, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे आप ये वाला रही मेरा नया हीटर कॉइल, और ये जूनी वाली हीटर कॉइल है, उसको निकाल दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन जाम हो चुकी है, अंदर से इसकी जो लाइनिंग रहती है ना वो जाम हो जाता है, इसके वजह से हीट एंड टेम्परेचर अंदर आता नहीं है, तो इस वजह से मैंने नया हीटर कॉइल मंगवाया इसका। जैसा कि देख पा रहे हैं महिंद्रा का है, और इसका प्राइस भी देख लीजिए आप, 1713 रुपये का है, और इसको खोलने जा रहा हूँ मैं, जैसे खोला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही इसका नया हीटर कॉइल, कंपनी का हीटर कॉइल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है, देख रहे हैं। तो चलो मैं ये हीटर कॉइल फिटिंग कर देता हूँ, फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आगे देख पा रहे हैं फाइनली अपना नया वाला हीटर कॉइल मैं फिटिंग कर दिया, और ये वाला पट्टी जो बैंड किया था उसको सीधा करके सीधा कर लेता हूँ, मैं अपने पोजीशन में ले लेता हूँ। तो चलो जैसा कि जूनी वाली इधर है और नई वाली फिट हो चुकी है अपना, तो चलो फिर मैं अंदर आपको डैशबोर्ड डाल के फिर आगे दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ हीटर कॉइल फिटिंग करके। अब मेरे को सब बाकी सब फिटिंग करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तो चलो फिर मैं सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप मैंने इसका सब फाइनली फिट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब फिट हो चुकी है इसका, अब सिर्फ देख पा रहे हैं सब कुछ फिट कर दिया मैंने, जैसे खोला था सब फिट कर दिया, अब सिर्फ मेरे को गैस भरने का है, गैस भर के मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी पूरी फाइनली फिट हो चुकी है, और मैं गाड़ी चालू कर रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एसी वगैरह चालू है, लोड चालू है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 8.5 है, 8.7 पे आ चुका है अभी, ट्रिप मार दिया कंप्रेसर। तो अब मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ कि हीटिंग टेम्परेचर बराबर हो रहा है क्या नहीं। तो हीटर मैं हाई पे कर रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई पे किया हूँ, और थोड़ी देर के लिए वीडियो होल्ड करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देखता हूँ कितने तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, 23 पे आ चुका है, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितने तक पहुंच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं 46-47 पे और भी बढ़ रहा है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हीटिंग टेम्परेचर के वजह से हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा था, इसके वजह से मैंने इसका डैशबोर्ड खोला और हीटर कॉइल चेंज किया, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो आपके गाड़ी में भी अगर हीटिंग टेम्परेचर ना आता हो तो आप समझ जाइए कि आपका हीटर कॉइल गया हुआ है, इस वजह से हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव दिखाया पूरा प्रोसेसिंग डैशबोर्ड खोलने का फिटिंग करने का, तो
हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो, मेरे वीडियो देख के आपको कुछ भी समझ में आता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।